गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं जो आप सबके साथ रेमेडी शेयर कर रही हूँ, ये हमें लगानी नहीं है बल्कि इंटेक करनी है, खानी है। इससे अगर प्रीमैच्योर ग्रे हेयर की समस्या आए तो वो ख़त्म हो जाएगी। ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। बाल जिनके बहुत ही ज़्यादा झड़ते हैं या पतले हैं उनके लिए कमाल का काम करेगी। उसके साथ साथ चेहरे पर एक ग्लो आएगा, अंदर से निखार आएगा, झुर्रियाँ नहीं आएगी जल्दी। ठीक है, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लेंगे एक गिरी इतनी कोकोनट की, फ्रेश कोकोनट। अगर फ्रेश कोकोनट हो तो सबसे अच्छा है, अगर ना हो तो जो ड्राई कोकोनट आता है उसे रात में भिगो कर रखें और उसके बाद उसे यूज़ करें। नहीं तो फिर आप जो डेसिकेटेड कोकोनट होता है ना, उसका यूज़ हो सके तो ना करें, क्योंकि उसमें से ऑयल पूरा निकाल लिया जाता है तो वो ज़्यादा फ़ायदा नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरह का कोकोनट लें और डालेंगे ग्राइंडर जार में। कोकोनट सबसे ज़्यादा केरला में यूज़ किया जाता है। नारियल और उनके बाल लंबी उम्र तक काले, घने, लंबे और मज़बूत रहते हैं। ओवरऑल हेल्थ के लिए कोकोनट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। ठीक है, कोकोनट को मैंने डाल दिया है ग्राइंडर जार में। अब जो इसमें हम दूसरी चीज़ डालेंगे वो डालेंगे एक चम्मच के जितना गुड़। ये थोड़ा सा मीठास भी देगा इस ड्रिंक को और उसके साथ साथ ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। गुड़ खाने से प्रीमैच्योर ग्रे हेयर की समस्या ख़त्म होती है, बालों का झड़ना बिल्कुल बंद होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। गुड़ इसे मेहंदी में मिलाकर भी लगाया जाता है अपने बालों पर। तो लगभग एक चम्मच के जितना हम डालेंगे यहाँ पर गुड़। यहाँ पर हम आगे का प्रोसेस शुरू करें, उससे पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस करें, तो जो भी वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। अब हम यहाँ पर डालेंगे एक डेट जिसे हम खजूर भी कहते हैं। ये सीडलेस डेट है। ठीक है, इसमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है। आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से भी बाल झड़ते हैं और भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं हमारे शरीर में, तो ये चीज़ें ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। एक डालेंगे डेट इसमें और डालेंगे दो अखरोट, लगभग दो अखरोट जिसे हम वॉलनट भी कहते हैं। वॉलनट में विटामिन ई ओमेगा 3 होता है। इसके सेवन से भी बाल मजबूत होते हैं, चेहरे पर ग्लो होता है। ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है इसमें। जिन्हें हार्ट का प्रॉब्लम हो उनके लिए अखरोट बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। उसके बाद इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच पम्पकिन सीड्स जिसे हम कहते हैं, कद्दू के बीज। ठीक है, इसके खाने से न ही आपके सिर्फ प्रीमैच्योर ग्रे हेयर की समस्या ख़त्म होगी बल्कि बालों का झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा। ये बालों के लिए एक टॉनिक का काम करते हैं, तो उसे भी हम डालेंगे। उसके बाद डालेंगे इसमें एक गिलास पानी और जब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जाएगी वो जाएगी ब्लैक सेसमी सीड, जिसका मैं बहुत बार अपने वीडियोस में बता चुकी हूँ। ब्लैक सेसमी सीड लगाने भी चाहिए और खाने भी चाहिए। इससे ग्रे हेयर की समस्या भी ख़त्म होती है, उसके साथ साथ बालों का झड़ना बिल्कुल बंद होता है। कैल्शियम का बहुत ही बड़ा उसमें बहुत ही ज़्यादा होता है कैल्शियम, हड्डियों की कमज़ोरी को भी तिल ख़त्म करता है। तो तिल ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है और ब्लैक सेसमी सीड्स सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो मैंने इसमें एक चम्मच डाला तिल का। उसके बाद सब चीज़ों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल फाइन कर लेंगे। इसे हम छानेंगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये जो फाइबर इसमें है ये भी हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसे आपको इसी तरह ही सेवन करना है, रोज़ नहीं कर सकते, तो वीक में 2 से 3 बार भी करेंगे तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसे ज़रूर से ज़रूर सेवन करें, बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चलिए फिर मिलेंगे।